हेलो फ्रेंड नमस्कार। मैं आज आपके लिए मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल की प्रिपरेशन तैयारी के लिए मध्य प्रदेश में जो प्रमुख समाधि और मकबरे हैं वह लेते आया हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देते हैं और मैं इसे तीर्थ अनुसार बताने वाला हूं। तो इसका तर्थ मध्य प्रदेश के समाधियाँ और मकबरे। आप सबसे पहली बात करते अपन ग्वालियर की। तो ग्वालियर में कौन कौन से मकबरे हैं या समाधियाँ हैं ग्वालियर? तो तीर्थ है एमजी लता, क्या है जीएम लता है। तो जी से हो जाता है आपका ग्वालियर और एम से हो जाता है फर्स्ट मकबरा है मोहम्मद दोस्त का मकबरा, मोहम्मद दोस्त का मकबरा। और यही मोहम्मद दोस्त इसते दुरु थे तान थे ते दुरु थे तानसेन ते दुरु थे मोहम्मद दोस्त। और दूसरा आता यम 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 ते पाता ल से आ जाता आता लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में ही है। और यह 1857 के समय वीर गति तो प्राप्त हो गई थी। तो लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में ही है। तीसरा आता है तानसेन का मकबरा। तानसेन का जो मकबरा है वो एमपी का सबसे बड़ा मकबरा है जो 55 वर्ग फीट में फैला हुआ है सबसे बड़ा मकबरा। और यह मुदल ताल की सबसे अच्छी सुंदर आकृतियों में से एक है मकबरा। और अनेती ग्वालियर में तो सुन से मकबरे हैं मोहम्मद दोस्त का मकबरा, लक्ष्मीबाई की समाधि और तानसेन का मकबरा। अब नेक्स्ट पे चलते अपन। नेक्स्ट है आपका शिवपुरी। कहाँ थे? शिवपुरी में तौन तौन से समाधियाँ और मकबरे हैं उसके बारे में जानकारी देते। उत्तीर्थ है माता महारानी शापी, यह तीर्थ है शिवपुरी के मकबरे जिससे यम से आता आ जाता है आपका या माँ से आ जाता है माधव राव सिंधिया की समाधि। तीसरा माधव राव सिंधिया की समाधि तत्व आ जाता है तात्या तोपे की समाधि जो थी जाओ सादर ते नितर है। जाओ सादर शिवपुरी ते अंदर है। नेक्स्ट आता है महारानी शापी तो भी ले लो श तो महारानी से आता है महारानी राज ये यहाँ थोड़ा दरबार होता है यहाँ पे है महारानी सात्य राजेश सिंधिया की समाधि। किसे हैं राजेश सात्य राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में जो थे ताजमहल के समान सुंदर है। ताजमहल के समान सुंदर पीर से आता है तुम्हारा पीर तथन का मकबरा। पीर तथन का मकबरा भी शिवपुरी में तो से सावरा क्षेत्र में स्थित है। तो शिवपुरी में है माधव राव सिंधिया की समाधि, तात्या तोपे की समाधि, माता रानी अने महारानी राजे की समाधि और पीर तथन का मकबरा भी शिवपुरी में। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आते मंगला। मंगला में ओनली दो समाधि हैं मंगला और तृतीय है मंगला में अवंती भारती दीर्घधारी पर अवंती से आता अवंती बाई की समाधि और देवधारी से आता है देवधारी बाई की समाधि।
दो ही समाधियाँ हैं, अवंती बैती समाधि व गिरधारी बैती समाधि। हम निश्चित है आपका शेष जो बद्ध है वो है ये तो बिजू बावड़े का मतबरा, बिजू बावड़े का मतबरा है चंदेरी में, पेशवा बाजीराव की समाधि है थरदोन में, मुमताज महल का मतबरा है ब्रह्मपुर में, दौलता लोधी का मतबरा है ब्रह्मपुर में, बाजी शाह मस्ताने अली शाह मंजारे ये नाम है वो धमोनी सादर में स्थित है। अनेतीत्या है पहला बिजू बावड़े का मतबरा चंदेरी, पेशवा बाजीराव पेशवा थे मराठा साम्राज्य में, उनका लास्ट अभियान था वो थरदोन में, उनकी मृत्यु हो गए थे तो वहाँ उनका समाधि है, और ममता महल की मृत्यु ब्रह्मपुर में हुई थी तो वहाँ पे उनका मकबरा है, उसके बाद होते आर्रा ले जाया गया, दौलत था लोधी का मकबरा, तीसरा दौलत था लोधी का मकबरा भी ब्रह्मपुर में है, और बाजे शाह मस्ताना अली शाह के मंजारे ये धमोनी सादर में है। नेक्स्ट आता है और दो रहते हैं अब भोपाल और जबलपुर में भी दो तीन समाधि व मकबरे हैं, तो भोज नौ दुर्दा तो भोज से आ जाता है भोपाल, और नौ से आ जाता है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा तो है भोपाल में, और दूसरा आता है दुर्दा ते रानी दुर्दावर्ती थी समाधि तहा पे है जबलपुर में है, रानी दुर्दावर्ती थी समाधि भी जबलपुर में है। तो ये जो रानी दुर्दावर्ती है दोनवाना ती प्रसिद्ध शासिता रही है, और वो उनकी समाधि बड़ेला ग्राम में है। मैं आज के वीडियो में इतना ही है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगता है सबके साथ शेयर करें, और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।